वैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जनरल एंट्रीज कैसे पास करनी है वो हम एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाएंगे। पूरा क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज का ही पार्ट होगा, उसको हम समझाते हैं कैसे एंट्री पास करनी है। वो क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि एंट्री कैसे पास करनी है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, बैलेंस शीट बनी है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 6 एडजस्टमेंट है। इसमें ऊपर में लिखा है ए रिटायर्स ऑन दिस डेट, ए रिटायर हो रहा है और नीचे एडजस्टमेंट करने है और लास्ट में लिखा है पास जनरल एंट्रीज टू अफेक्ट द अबव एडजस्टमेंट। तो जनरल एंट्रीज करनी है हमें, इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है। एंट्री करने के पहले आपको हम रूल बता दें क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जितने भी एक्सपेंस या लॉस होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा और इनकम या गेन्स होंगे तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। और किसका रिवैल्यूएशन हो रहा है? एसेट्स और लायबिलिटीज का। एसेट्स और लायबिलिटी कैसे रिवैल्यू की जाती है, उस पर कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, इसका भी एक रूल समझ लीजिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो आपने पढ़ा था क्लास 11th में, वही रूल यहाँ लगेगा। एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट करना है, एसेट अगर घटेगी तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटीज अगर घटेगी तो डेबिट। सिंपल सा रूल याद रखिए। लायबिलिटी का फिर से बता दे रहे हैं, लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटीज अगर घटेगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते ही हैं, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं। तो चलिए इसी रूल को याद रख के हम स्टार्ट करते हैं एंट्री नंबर 1। तो देखिए पहला केस दिया, बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं 10,000 के और उसको राइट ऑफ करना है। एंड के बाद वाला पार्ट अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो समझाते हैं। बैड डेट्स हो गए 10,000 के और देखिए ऊपर बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स के नीचे प्रोविजन बना हुआ है 9,000। अच्छा, ये प्रोविजन क्यों बनाया जाता है कि हमारा बैड डेट्स हो तो उससे लॉस को एडजस्ट करवा दिया जाए प्रोविजन से। तो वही चीज अब हमें यहाँ करनी होगी। बैड डेट्स मेरे लॉस होते हैं, लॉस कितने का हुआ है? 10,000 का। तो लॉस को पहले राइट ऑफ कर लेते हैं। लॉस होने की वजह से डेटर्स भी तो डिक्रीज हो जाएंगे ना, डेटर्स एसेट है, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो चलिए पहली एंट्री तो हमें समझ में आ गई, बैड डेट्स हुए, बैड डेट्स मेरा लॉस है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हुआ है? 10,000, तो हमने लिख दिया। और बैड डेट्स की वजह से डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स एसेट होते हैं, एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो 10,000 ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई। अच्छा, प्रोविजन जो बना हुआ है वो क्या करेगा? वो मेरी हेल्प करेगा लॉस को एडजस्ट करवाने के लिए। बैलेंस शीट में प्रोविजन है 9,000 के, मेरा लॉस हुआ है 10,000 का, तो 1,000 का लॉस तो फिर भी होना है हमारा। 9,000 तो चलिए एडजस्ट हो जाएगा 10,000 में। 1,000 का जो लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन की वजह से 1,000 का लॉस हुआ। तो चलिए सेकेंड एंट्री भी कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन में पहले हमें पता चल गया कितना जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ है मेरा? 1,000। कैसे? क्योंकि 9,000 तो एडजस्ट हो जाएगा, तो एडजस्ट करने की भी एंट्री करनी होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन को एडजस्ट करवा दिया मैंने 9,000 का। और ये ओवरऑल किसका एडजस्टमेंट कर रहा है? ये लॉस का। तो टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स अकाउंट, टू बैड डेट्स तो ये मैंने लॉस को अपने एडजस्ट करा दिया। 10,000 का लॉस एडजस्ट हो गया और जो 1,000 का लॉस मेरा अराइज हुआ वो मैंने रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए उसी फर्स्ट में एंड के बाद क्या लिखा हुआ है? एंड के बाद लिखा हुआ है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट। मतलब मुझे प्रोविजन नया भी बनाना है। इस लॉस के बाद प्रोविजन खत्म हो गया, हमारा प्रोविजन खत्म हो गया, तो नया प्रोविजन भी बनाना है एट एग्जिस्टिंग रेट। इस समय क्या रेट चल रहा था वो भी देखना होगा हमें। अच्छा, ये प्रोविजन डेबिट क्यों किया मैंने? क्योंकि प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को कैंसिल करना है तो डेबिट, इसलिए मैंने यहाँ कैंसिल किया तो डेबिट। तो चलिए पहले एग्जिस्टिंग रेट क्या चल रहा है प्रोविजन का, उसका वर्किंग नोट से समझाते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स है 1,50,000 के, जिसपे प्रोविजन बना है 9,000। तो ये किस रेट पे बना है पहले हमको ये चेक कर। फॉर्मूला नोट कर लिया है कि किस तरह हम आर निकालेंगे, रेट कितना लगा हुआ है। तो हमें पता है कि 1,50,000 पे हमने 9,000 का प्रोविजन बनाया, इसी में पुट कर दीजिए, आपको रेट पता चल जाएगा किस रेट पे बना था। तो प्रोविजन कितने का बना है? 9,000 का। और डेटर्स कितने यूज किए गए थे प्रोविजन बनाने के लिए? 1,50,000। इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो आर निकाल लेते हैं, आर को इसी साइड छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें इधर ले आते हैं। तो 9000 इंटू 100 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आर इसको और इसको नीचे ले आते हैं 1,50,000। हमको आर पता चल जाएगा। रेट इज योर, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 156%। तो ये हमारा 6% पता चल गया किस रेट पे प्रोविजन बना हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है हमें जो नया प्रोविजन बनाना है वो एग्जिस्टिंग रेट पे ही बनाना है। क्या रेट चल रहा है? 6%। तो अब हमारे डेटर्स कितने के हुए? पहले डेटर्स 1,50,000 के थे, जिसमें से 10,000 का लॉस हो गया है। तो अब मेरे डेटर्स बचे 1,40,000 के। अब हम 1,40,000 पे प्रोविजन बनाएंगे। तो नया प्रोविजन कितने पे बनेगा? 1,40,000 पे। तो 1,40,000 पे हम 6% निकाल ले तो नया प्रोविजन पता चल जाएगा। 1,40,000 कहां से आया? ये पुराने 1,50,000 थे, जिसमें से 10,000 का लॉस हुआ, तो बचे हुए हमारे 1,40,000। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6064248400। तो न्यू प्रोविजन हमारा आ जाएगा 8400। तो नए प्रोविजन की भी एंट्री करनी होगी, जो नया प्रोविजन बना है इसकी भी एंट्री करनी होगी। प्रोविजन बनेगा तो फर्म में लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा, तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ये नया प्रोविजन है, फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविजन बना है? 8400। तो इसकी भी एंट्री हम कर देते हैं 8400। ये कहाँ से आया 8400? ये वर्किंग नोट आपको शो करना होगा, ये वर्किंग नोट है आपका। सेकेंड एंट्री पे चलिए अब आते हैं। सेकेंड एंट्री दी है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 20,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। एक हमारे क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब रिकॉर्ड करना है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ने से मेरा लॉस अराइज हो गया तो डेबिट, रिवैल्यूएशन को डेबिट। एंट्री कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और क्या बढ़ रहा है? मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिटर्स, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ने से मेरा लॉस हो गया कितने का? 20,000 का। तो ये तो जनरल एंट्री पास हो गई। थर्ड केस देखते हैं क्या है। थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन इज टू बी मेंटेन फॉर लीगल डैमेजेस अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000। हमें एक नया प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है डेबिट। तो सिंपल सी एंट्री है ये भी, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। जो नेम लिखा होगा वही आपको लिखना होगा। कितने के लीगल डैमेजेस अराइज होंगे? 25,000 के। तो ये भी एंट्री पास हो गई हमारी, बहुत सिंपल सी एंट्री थी। नेक्स्ट फोर्थ देख लेते हैं। देयर इज अ लायबिलिटी फॉर 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। 15,000 की लायबिलिटी एक और है आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। सेम लायबिलिटी तीनों केस में बढ़ रही है तो सेम एंट्री हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री भी कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन फिर से डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने की लायबिलिटी है? 15,000 की। तो यहाँ 15,000 से एंट्री पास कर देते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ओवरऑल 4 केसेस। फिफ्थ एंट्री स्टार्ट करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस बाय 8,000 बीइंग लायबिलिटी नॉट पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, उनको अब हमें नहीं पे करना है, मतलब लायबिलिटी नहीं पे करनी है। तो मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। और कौन सी लायबिलिटी कम हो रही है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो एंट्री पास कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट कर देना होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो गया। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से? 8,000। ये एंट्री नंबर 5th। तो चलिए लास्ट एंट्री पे आते हैं। लास्ट एंट्री में देखिए दिया हुआ है स्टॉक भी इंक्रीज बाय 15,000। स्टॉक को 15,000 से बढ़ा देना है, तो बहुत सिंपल सी एंट्री है। स्टॉक इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। स्टॉक को बढ़ाना है, स्टॉक एसेट है, स्टॉक एसेट बढ़ती है तो डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने से? बाय लिखा है तो 15,000, टू लिखा होता तो डिफरेंट एडजस्टमेंट किया जाता। 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, प्लांट इज टू बी रिड्यूस टू 1,80,000। अब हमारे प्लांट की वैल्यू हो जा रही है 1,80,000। पहले बैलेंस शीट में कितनी थी, देखिए 2,00,000 रुपीज लिखी हुई है, अब 1,80,000 हो रही है, तो 2,20,000 का हमारा लॉस हुआ है। तो एंट्री कर देते हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और प्लांट को क्रेडिट करना होगा टू प्लांट अकाउंट। कितने से? 20,000। अब हमें ओवरऑल जितने भी एडजस्टमेंट थे उसको हमने कर लिए हैं। अब हमें नेट जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस अराइज हो रहा है उसको निकालना होगा। उसको निकालने के लिए जितने भी रिवैल्यूएशन डेबिट हुए हैं उसको एक साइड नोट करिए, जितने भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुए हैं उसको एक साइड नोट करिए, बैलेंस निकालिए, प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ हमने कर रखा है, सारी एंट्रीज में जहां जहां रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था तो मैंने डेबिट साइड का नोट कर लिया, क्रेडिट साइड का नोट कर लिया। एक नोट नहीं किया है प्लांट का, वो हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे रिवैल्यूएशन प्लांट के केस में डेबिट था तो आप डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन का कितना अमाउंट है, 20,000 नोट कर दीजिए। तो इस तरह आप सारे नोट कर सकते हैं वीडियो को प्रीवियस करके। तो चलिए नेट इफेक्ट देखते हैं क्या आ रहा है। डेबिट का टोटल 89,400, क्रेडिट का टोटल 23,000। तो हमें दिख रहा है साफ साफ डेबिट ज्यादा है तो हमारा लॉस हुआ है, तो माइनस कर लेते हैं। 89,400 माइनस 23,000, 66,400 हमारा लॉस राइज हो जाता है। 66,400 ये लॉस आया, और ये लॉस किस में बटेगा, सारे पार्टनर्स में 5:3:2 में डिवाइड हो जाएगा, ABC में। तो चलिए एंट्री इसकी भी पास करनी होगी, तो लास्ट एंट्री पास कर लेते हैं। A को डेबिट करना होगा, B को डेबिट करना होगा, लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने का लॉस हुआ है, 66,400, तो क्रेडिट कर देते हैं 66,400, और इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, हम डायरेक्ट नोट कर दे रहे हैं कि हमारा कैलकुलेटेड है। 33,200 आ रहा है ए का, 33,200, बी का आ रहा है 19,920, एंड सी का है 13,280। मैंने इस लॉस को बांट दिया है एज कैपिटल अकाउंट। इसी तरह आप नोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट।